बहुत समय पहले की बात है, पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में तीन मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें तीन हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गाँव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूल कर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस होते गए थ्री लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते, तो यह उनका नाम बन गया तीन हंसते हुए भिक्षु, थ्री लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी दो जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे, ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा, हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है, हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष दो भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है, हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पे आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी।